कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। लोग गाइस, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है। और आपके उसी टारगेट में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरा है कि मैं आपको नए नए शब्द और नई नई आउटलाइन बताती हूँ ताकि आपका गोल आपके लिए और भी इजी हो जाए और आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। तो चलिए, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने शॉर्ट हैंड चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है ये स्मार्ट आउटलाइन पे डिपेंड करता है, जिसमें कि मैं आपको स्मार्ट वे में आउटलाइन को शॉर्ट करके बताती हूँ, जिससे कि आप उसको ईजिली पढ़ पाएँ और उससे रिलेट करते हुए अपने वर्ड्स को मेनटेन कर पाएँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहला वर्ड आ रहा है कोशिशें। और हम कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो उसी चीज़ से स्टार्ट करते हुए देखिए, का की व्यंजन रेखा है, सा का व्रत बना है, इसी में सा की व्यंजन व्रत को दोबारा से बनाया गया है, जिससे कि ये शब्द बना कोशिशें। और इसमें सा के व्रत को थोड़ा बाहर निकाल के बनाया है, जिससे कि हमें हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने ईजिली इसको वहाँ पर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा शब्द आता है ये है नाकाम। ठीक है, नाकाम शब्द बनाने में देखिए, नाकाम शब्द ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह यूज़ हो। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है कि इस शब्द में ना की व्यंजन रेखा को पूरा बना के, या मैं कहूँ कि इसको पूरा ही बनाया है, ना की व्यंजन रेखा, का की व्यंजन रेखा और म। तीसरा शब्द आता है जगह। तो जा की व्यंजन रेखा बनाई है, ग की व्यंजन रेखा बनाई है, और ह के लिए एक बड़ा सा व्रत उस व्यंजन रेखा के, ग की व्यंजन रेखा के लास्ट में हमने इंडिकेट कर दिया है, जिससे कि ये डिफाइन हो रहा है कि ये हा के लिए बनाया गया है। आपको ये भी रिकॉल करा देती हूँ कि स्वा का व्रत कभी भी व्यंजन के लास्ट में नहीं आता है। तो अगर लास्ट में कोई भी बड़ा व्रत आप बनाते हैं तो दैट विल इंडिकेट फॉर ह। ओके, नेक्स्ट देखिए, उठाया जा सकता है, एडवांस लाइन है क्योंकि इसमें आपके तीन शब्द मिले हुए हैं। तो देखिए, उठाया पूरा लिखा है, जा सकता है, था की जो व्यंजन रेखा है वो थर्ड प्लेस पे बनाई है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये शब्द पूर्णतया डिफाइन हो जाए कि इस शब्द पर तीसरे स्थान की मात्रा सुपीरियर है। ठीक है, नेक्स्ट है जान है तो जहान है। अब यहाँ पर जान का शब्द चिन्ह पूरा शब्द पूरा बनाया है हमने, जहान के लिए जा की व्यंजन रेखा ह, ना की व्यंजन रेखा को पूरा बनाया है और हक है का इसमें उपयोग किया है। तो जान है तो जहान है। इसके बाद आता है आपका सिद्धांत। सिद्धांत में स, ध, न और ता, सा का व्रत है, धा ना बना के दा की व्यंजन रेखा है, ना और ता का व्यंजन रेखा को बनाया गया है। तवज्जो एक तरह से पूरा शब्द बनाया है, त व ज, और जो नीचे डॉट आ रहा है ये इसको बहुवचन डिफाइन करता है। ठीक है, आश्चर्य नहीं है तो आश्चर्य के लिए श की व्यंजन रेखा बनाई है, उसमें च और रा का यूज़ किया है, नहीं है प्रॉपर जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरह से हमने बनाया है। इसके बाद शब्द है आपका विकट हो सकती है। तो विकट के लिए बा का आपका शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज़ किया है, का की व्यंजन रेखा को शॉर्ट किया है ट के लिए, तो विकट बन गया, हो सकती है उसमें ऐड कर दिया। अनुमान जो शब्द बना हुआ है उसमें न, म और न और लाइन के ऊपर बनाया है हमने, तो इसका पर्पज़ ये है कि ये फर्स्ट प्लेस साउंड को सुपीरियरिटी देता है। ठीक है, घोषणा हो सकती है, तो घोषणा घ, श और न बनाया, हा के लिए एक बड़ा व्रत बनाया, सकती है पूरा हमारा शब्द चिन्ह है जिससे हमने इस शब्द को डिफाइन किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शब्द है आपका, एक राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। मैं आपको ऑलरेडी बताती हूँ, जब भी कोई भी राज्य या किसी जगह का या किसी व्यक्ति का जो कि इम्पॉर्टेंट है, हम कहें कि मुख्य है, उसका नाम आता है, तो मैं उसको आपको बताती हूँ कि उसके नीचे दो मार्क लाइन करना ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से आंध्र प्रदेश, न ध्र प्रदेश, आप दो तरह से लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट मैंने वहाँ पर डिफाइन कर दिया है। कर्नाटक, ये भी एक जगह का नाम है, तो क र का रा का व्रत का की व्यंजन रेखा में यूज़ किया है, ना टा को छोटा किया है क के लिए, तो कर्नाटक। केरल, रा का हुक लगाया है,
का की व्यंजन रेखा में और ला की व्यंजन रेखा के से डिफाइन किया है। गुजरात, ग ज और त, गुजरात, दिल्ली। दा की व्यंजन रेखा ला का हुक लगा हुआ है और अगेन ला की व्यंजन रेखा को बनाया गया है। वकालत शब्द में भी वा की शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है, तो वकालत इस तरह से हमारा शब्द प्रयोग में लाया गया है। कंटेनमेंट जोन, देखिए कंटेनमेंट जोन में हमने क्या किया है कि का और टा की बनाई है और इंट जो साउंड देता है, तो इसके लिए उस जगह पर एक हम विदाउट स्पेस वाला सर्किल जैसा ड्रॉ करते हैं, तो कंटेनमेंट बन गया हमारा और हमने बनाया जोन, ज और न, ठीक है। तो इस तरह से जोन शब्द डिफाइन हो जाता है। जनमत, जा का शॉर्ट फॉर्म है म और त, इस न और म और त बना हुआ है। आधारित में धा की व्यंजन रेखा है, रा और ता के साथ में उसको डिफाइन किया है। चर्चा चल रही थी, तो चर्चा में च र का व्यंजन रेखा बनाया है। चल की व्यंजन रेखा बनाइए, ला की व्यंजन रेखा को रहा रही रहे के लिए डबल किया है और उसमें था की व्यंजन रेखा को ऐड कर दिया, तो चर्चा चल रही थी। ये एक एडवांस आउटलाइन आपकी हो जाती है। इसके बाद है आपका उत्तर प्रदेश, तो तर दर के लिए हमने थर्ड प्लेस पे ता की व्यंजन रेखा को डबलिंग किया है और उसमें प्र के लिए, प्रदेश के लिए प्रा का फॉर्मेट वहाँ पर यूज़ किया है। बिहार, बिहार में ब प फ ब बा वाला जो रूल आपको बताया है पावा ज और हा का, तो वही नियम यहाँ बनाया है। अब उस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर दिया है तो उसमें हा और रा दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके अगर किसी भी तरह का शब्द में कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। इसके बाद देखिए शब्द जो आता है ग्रेट री ओपनिंग। ग्रेट री ओपनिंग जो शब्द है, ये एक तरह से तीन शब्दों को डिफाइन करके यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ग्रेट, ग और र, और इसको छोटा बनाएंगे क्योंकि टा की व्यंजन रेखा भी है, तो ग्रेट री इसको काटते हुए रा की व्यंजन रेखा पा, और वही जो मेंट में लगाया था वही इंग में लगाया है, तो यहाँ से हमने ग्रेट री ओपनिंग वर्ड बनाया। मॉडल में माँ की व्यंजन रेखा है, डा और ला। गति, गा की व्यंजन रेखा में ता का हुक लगा है, विधियाँ, ठीक है। काबू में किया है, तो काबू का और बा किया है का कम क्या किया का जो शब्द चिन्ह आता है उससे हम उसको क्रॉस करके बनाया है। दक्षिण कोरिया जगह का नाम है, तो द छ और ना बनाया है दक्षिण के लिए, कोरिया के लिए का में रा का हुक लगाते हुए या की व्यंजन रेखा को यहाँ पर बना के रखा है हमने। प्रतिशत, प्र श और त, प्रतिशत के लिए यूज होता है। गिरावट, देखिए गिर का बनाया है ग और रा, वट जो है वो आपका उपसर्ग और प्रत्यय में आता है, ठीक है। तो ये वट का पूरा एक फिक्स वर्ड है गिरावट। इसी तरह से शब्द होता है मिलावट, तो म और ला की व्यंजन रेखा बना के हम व और टा उसमें ऐड कर देते। देखिए एक चीज़ आपको बताऊंगी, अब जैसे PDP आ रहा है, GDP आ रहा है, इस तरह के कोई भी इंग्लिश रिलेटेड वर्ड आते हैं तो कोशिश कीजिए उनको शॉर्ट हैंड में ना लिखे, एज इट इज़ डिफाइन कर दीजिए। वो उस तरह से आप जल्दी लिखेंगे, जैसे मुझे कोई डिग्री लिखनी है, MA, MBA, MBBS लिखना है, तो उसको शॉर्ट हैंड में लिखने से बेटर है आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। कोई नंबर लिखते हैं, कोई वैल्यू लिखते हैं, तभी भी आप उसको एज इट इज़ लिख दीजिए तो आप जल्दी लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें मात्राओं के कारण वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। भारत में भा रा, रा का हुक है और ता का हुक है। देखिए प्रश्न पूरा लिखा है, उसमें है जोड़ दिया। कोरिया, वही जो ऊपर हमने लिखा था दक्षिण कोरिया, वही शब्द यहाँ पर लिया है। ब मुश्किल, देखिए मुश्किल का शब्द चिन्ह आप बना चुके हैं, इसमें आगे जो हमने यूज़ किया है ये ब यूज़ किया है, तो ब मुश्किल दोनों को कंबाइन कर दिया है जिससे ये शब्द हमारा इजीली बन गया। इसके बाद आपका शब्द आता है चेको स्लो बाकिया, एक जगह का नाम है। अब यहाँ पर देखिए हमने चेको पूरा लिखा है, स का व्रत बनाया है, ला बनाया है, दूसरा जो क है उसको हमने या के रूप में शॉर्ट कर दिया है और फिर उसमें लास्ट में या जोड़ दिया है, वा किया, ठीक है। तुलना, ता की व्यंजन रेखा में ला का हुक है और ना की व्यंजन रेखा बनाई है। नेक्स्ट है आपका नहीं हो सकती, तो देखिए नहीं, ना नहीं का शब्द चिन्ह है, हो सकती उसमें ऐड कर दिया है, मैंने यहाँ पर है भी लगा दिया है तभी ये दूसरा
लास्ट में टैग यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र, महा का शब्द बना है इसी में राष्ट्र को हमने जोड़ दिया है। इसके बाद आता है आपका तमिलनाडु, त म और ल नाडु के लिए ना की व्यंजन रेखा से काट दिया है। प का शॉर्ट फॉर्म बनाया है ज और व, पंजाब, महत्वपूर्ण, महत्व में म ह व और पूर्ण का आपका सिंबल है उसको हमने ऐड कर दिया है। राज्यों, रा की व्यंजन रेखा है, जा की व्यंजन रेखा है और या इसमें हमने जोड़ दिया है। लॉकडाउन, ला और का डा में ऊ की साउंड के साथ हमने इसको डिफाइन किया है। औपचारिकता, तो औपचारिकता में देखिए पा की व्यंजन रेखा है, चा में रा लगा है और ता की व्यंजन रेखा को हमने इसमें डिफाइन किया है। रह गई थी, तो रह का पूरा बनाया है, गया गई गए का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, फिर था थी थे। इसके बाद देखिए शब्द है रफ्तार, तो रा फ और दार धार के लिए उसका चाप बनाया हमने वहाँ पर आधे से ज़्यादा में, तो बन गया रफ्तार। स्वाभाविक, स्व का शब्द आ गया आपका भा की व्यंजन रेखा है और वा को छोटा किया है का के लिए। इसके बाद शब्द आ रहा है आपका अपरिहार्य, तो देखिए पा में रा का हुक लगा हुआ है, हा की व्यंजन रेखा है और यार बना के अपरिहार्य लिखा है। इसके बाद है पाए जा रहे हैं, तो पाए पूरा लिखा है पा और या, जा रहे हैं के लिए जा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया है तो उसमें रहा रही रहे जुड़ जाता है। इसके बाद शब्द आता है आपका झारखंड, जो कि एक जगह का नाम है। ऑलरेडी इसमें कई सारे स्टेट्स के नेम आए हैं जो आपकी आगे की डिक्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा सेपरेटली स्टेट प्लेस के रूप में, ठीक है। देखिए झारखंड में झा और रा का हुक है, खा और ना, खंड। उड़ीसा, डा, डा जो है डा बनाया है और सा इस तरह से उड़ीसा का बनाया है, बढ़ रही है, तो देखिए बा बना डा की व्यंजन रेखा को डबल किया तो बढ़ रही है। चौथाई, चौथा, यहाँ पर था पर एक आई की साउंड भी लगेगी, ठीक है। प्रांत, पा में रा का हुक, ना का हुक और ता की व्यंजन रेखा। परवाह, परवाह जो शब्द होता है आपका, इसमें पा की व्यंजन रेखा में रा का हुक यूज़ करते हैं, वा और हा का हम इसमें उपयोग करते हैं। हा ऑलरेडी पहले भी आपको बता रखा है, जगह में जैसे हमने यूज़ किया था उसी तरह से हम यहाँ करते हैं। इसके बाद शब्द है पूर्वोत्तर, तो पूर्वोत्तर में देखिए पूर्व के लिए पा और आपका रा की हुक लगा हुआ है और वा की व्यंजन रेखा को उत्तर के लिए डबल कर दिया है। प्रदेशों, प्रदेशों यहाँ हमने पूरा ही लिखा है, क्यों, क्योंकि ये सिंगल वर्ड आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश होता तो हम खाली पुरा की व्यंजन रेखा को लगा के भी यहाँ से उसको पढ़ सकते थे। असम, आ के लिए साग का व्रत बनाते ही एक डैश लगा दिया है और माँ की व्यंजन रेखा बनाई है। देखिए पक्ष दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो पा और छा लिख सकते हैं, दूसरा पा की शॉर्ट फॉर्म बना के भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लिया था, लिए लाए और शब्द चिन्ह है आपका, इसी में था ऐड कर दिया। दुनिया, द न और या की आपकी यहाँ पर हुक यूज़ किया है तो दुनिया बना, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों ने जब अपने यहाँ लॉकडाउन को 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया, तब केंद्र सरकार के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा लगभग औपचारिकता रह गई थी। कुल मिला के इन दिनों कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ रखी है उससे सरकारों की चिंता का बढ़ना स्वाभाविक ही नहीं अपरिहार्य भी है। जब देश में 3-4 हज़ार लोग रोज़ संक्रमित पाए जा रहे हैं और संक्रमण को थामने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तब लॉकडाउन को खोलकर जगह जगह भीड़ बढ़ाकर संक्रमण बढ़ाने का जोखिम कतई नहीं उठाया जा सकता। सरकार ने जान है तो जहान है
के सिद्धांत को तवज्जो दी तो कोई आश्चर्य नहीं। सरकार का मानना है कि अभी स्थिति कुछ काबू में है। अगर लॉकडाउन खोल दिया गया तो स्थिति विकट हो सकती है। वैसे यह अनुमान पहले से था कि लॉकडाउन 4 की घोषणा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रधानमंत्री के साथ बैठक में लॉकडाउन खोलने की वकालत की थी और केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखने की सलाह दी थी। खासकर दिल्ली सरकार की जनमत आधारित सलाह पर खूब चर्चा चल रही थी, पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों की चिंता गहरी है, जहां मजदूरों का लौटना थमा नहीं है और मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। देश की 1/4 से भी ज़्यादा आबादी रखने वाले ये प्रांत लॉकडाउन के पक्ष में थे और केंद्र ने इन राज्यों की परवाह की है। पूर्वोत्तर के प्रदेशों में असम ने लॉकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया था। आज पूरी दुनिया में लॉकडाउन और ग्रेट रीओपनिंग की चर्चा चल रही है। दुनिया के सामने दो तरह के मॉडल हैं, एक लॉकडाउन का जिसे कड़ाई से सफल बनाकर चीन COVID-19 को काबू में किया, वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का मॉडल है जहां केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रखकर आर्थिक गतिविधियों को नहीं रोका गया है। कड़े लॉकडाउन से जहां चीन की GDP में इस साल की पहली तिमाही में 30% से ज़्यादा की गिरावट हुई है, वहीं इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में यह गिरावट 6% भी नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है तो हम न तो चीन जितने सख्त मिजाज हैं और ना हमारे यहाँ कोरिया जितनी कम आबादी है। हम चेकोस्लोवाकिया जैसे छोटे और संतुलित भी नहीं हैं, जहाँ कभी कभी रोज़ 300 से ज़्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे थे और अब बमुश्किल 50 आ रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया हो या फिर दक्षिण कोरिया, इन देशों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? देखिए, 100 words per minute की डिक्टेशन एक एडवांस डिक्टेशन होती है, मतलब कि 80 से ज़्यादा। तो इस डिक्टेशन को मैनेज करने के लिए आपको कम से कम अपनी स्पीड क्राइटेरिया को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से डिक्टेशन को लिख सकें और उसको प्रॉपरली बना सकें। ठीक है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अपने इस चैनल पे अलग अलग डिक्टेशन स्पीड की डिक्टेशंस को अपलोड करती हूँ, जिससे कि आपको हर लेवल की डिक्टेशन का आउटलुक मिल सके और आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, इसी तरह की और डिक्टेशंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।